भारत की राजनीति देश को किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, यह हिंदुस्तान के लिए खेद का विषय है। आजकल के नेता चमकदार कुर्ता तो पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मगर दिल को साफ नहीं रखते हैं जनता को दिखाने के लिए। देखिए, बिहार का विकास ठप पड़ा है, गरीबों को खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रोगियों का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, गरीब रोगी का इलाज सरकारी अस्पतालों में भगवान भरोसे चलता है, पढ़ाई लिखाई की क्या हालात है, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बद से बदतर है, सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई चपरासी का नौकरी करने लायक भी नहीं रहा है, शिक्षा व्यवस्था का इस तरह से बुरा हाल हो गया है। देखिए, खुद पर जो एतवार करता है, वक्त का इंतजार करता है, जिसे तैरना भी नहीं आता, एक दिन वह समुंदर को पार करता है। गरीबी इस प्रकार से विकास के लिए ललायित है, इधर मलाई खाने वाले नेता गरीबों को किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं यह देश जानता है। परिस्थितियां बढ़ती जा रही है, हम तो कह देना चाहते हैं कि ऐसा भी कोई मजहब होता जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। पानी गंगा से भी बहता है, जमुना से भी बहता है, कोई बताए कहां नहाया जाए। देश बेशुमार है, गरीबों के फटेहाल की स्थिति इतने तरीके से जर्जर हैं, और उधर विकास की राजनीति और देश को धूमिल करने की राजनीति देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। भारत कलंकित हो रहा है, राजनीति दिशा गंदी हो गई है, भारत की राजनीति अनेकों प्रकार से मैली हो गई है। इस मैली को साफ करने के लिए असली देसी पार्टी का गठन हुआ है। देखिए, राजनीति परिदृश्य में दिशा को बदलने के लिए, बिहार के विकास की रफ्तार के लिए जो अब तक नहीं कटा है आरी से, इस बार राजनीति की हर दिशा कट जाएगी असली देसी पार्टी की तैयारी से, असली देसी पार्टी की तैयारी से। हम लोगों के माध्यम सरकार को यह संदेश भेज देना चाहते हैं कि पहले की राजनीति गरीबों के उपकार में लगी रहती थी, क्या हो गया, किसकी आंखें लग गई, किस तरह से दुश्वार हो गया कि भारत की राजनीति आजकल गरीबों का शोषण करने में पीछे नहीं रहती है। जब तक भ्रष्ट नेता इस देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहराते रहेंगे, तब तक हमारे देश का अपमान होता